नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे गन्ने की खेत में, गन्ने की खेत में सबसे बड़ी समस्या इस समय पर जो आ रही है वो आ रही है खरपतवारों की। यहाँ पे देख सकते हैं कि खरपतवारों की समस्या बहुत ही अधिक आती है इस समय पर, क्योंकि इस समय पर आप देख रहे हैं गन्ने की खेत में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हमारी मोटा घास की। तो मोटा घास और उसके साथ में अन्य काफ़ी घासें हैं, जैसे कि उन घासों को हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के, तो इन सभी खरपतवारों को किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हो, आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय पर हमारे जो गन्ने की खेत है इसमें किस प्रकार से मोटा घास की समस्या देखने को मिली, तो काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल है, काफ़ी सबसे बड़ी समस्या है कि मोटा घास तो उसके साथ में चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के जो खरपतवार, इनको हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे कौन से टेक्निकल का प्रयोग करना है, ऐसे कौन सी दवाई का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं ऐसे टेक्निकल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप उसका एक बार स्प्रे कर देते तो आपके जो गन्ने के जो पौधा गन्ना जो आपने लगाया था इसमें पर सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है कि ये जो मोटा घास की समस्या और कुछ चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती खरपतवारों को हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, ये आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, जो भी चौड़ी पत्ती खरपतवार होंगे, सकरी पत्ती खरपतवार होंगे या फिर मोटा घास को जड़ से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो कौन सा टेक्निकल है, क्या कॉम्बिनेशन प्रयोग करें, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है हमारे सभी किसानों तक पहुंच सके, अपनी गन्ने की फल से खरपतवारों को जड़ से ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि किस प्रकार से हम ख़त्म कर सकते, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो गन्ने का खेत, को मिला कि अभी गन्ने की रोपाई हो चुकी, होने के बाद गन्ना जमा पे काफ़ी अच्छी टिलरिंग दे रहा है, तो इस समय पर क्या करना है, इसको किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको पहले ये सलाह देना चाहूँगा कि इस समय पर आप कोई भी टेक्निकल का प्रयोग ना करें, जैसे आप देख रहे हैं। तो इस समय पर बस आपको ये कार्य करना है कि आपको नराई गुड़ाई करके एक बार आपको खरपतवारों को ख़त्म करना है। अगर खरपतवार दोबारा से उग आते हैं तब आपको कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करना है, या फिर आप नराई गुड़ाई मैनुअली करना नहीं चाहते, आपको लेबर की समस्या, तो इसको हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो टेक्निकल बता रहा हूँ, आप इस टेक्निकल का प्रयोग करेंगे तो आप गांठी के साथ में मोटा घास, उसके साथ में चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के जो भी खरपतवार, जैसे जंगली बथुआ हो गया और जंगली गाजर हो गई और गाजर घास हो गई और जो भी चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती घास है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, इन सभी घासों को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आपको बता चुका मेट्रीब्यूजन लेके आना है आपको 70% WP फॉर्म में, उसके साथ में लेके आना है आपको धानुका की सेमपरा, जो कि आपको अगर डोज की बात करें धानुका की सेमपरा आपको 36 ग्राम लेके आना है और मेट्रीब्यूजन वो 70% WP फॉर्म वाला लेके आना है आपको 300 ग्राम, और ये जो डोज है ये आपको एक एकड़ के लिए प्रयोग करना है, एक एकड़ के लिए इस डोज को मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ में आपको लेके आना है एक चिपकू, चिपकू का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जिससे कोई भी खरपतवार है, यानी कि कोई भी हम स्प्रे करते हो अच्छी तरीके से हमारी जो खरपतवार अच्छी तरीके से चिपक सके और उस पर अच्छी तरीके से रिजल्ट दे सके। तो इसके लिए आपको ये डोज आपकी तैयार होगी, आपको लेके आना है मेट्रीब्यूजन 70% WP फॉर्म में 300 ग्राम और उसके साथ में सेमपरा लेके आना है धानुका की 36 ग्राम, इन दोनों को घोल तैयार करके 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय काफ़ी हमारे किसान भी गलती ये करते हैं जिस वजह से उन्हें 100% रिजल्ट इसका नहीं मिल पाता है। स्प्रे करने से पहले आपको ध्यान रखना है आपके खेत में नमी होना चाहिए, तभी आप स्प्रे करेंगे तभी आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी हमारे किसान ऐसे जैसे यहाँ पे अभी सूखी ज़मीन पड़ी है और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सूखी ज़मीन पड़ी है, यहाँ पे धूल उड़ रही है, और आप ऐसे स्प्रे करेंगे तो आप कितनी भी ताकतवर फर्टिलाइज़र का, किसी भी खरपतवार नाशी का स्प्रे करें तो आपको कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिला। तो आपको क्या रखना है, पहले तो आपको हल्की सी सिंचाई कर देना है, सिंचाई करने का जब नमी है तभी आप स्प्रे करें तभी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद में क्या करें, आपको एक हफ्ते बाद में जैसे कि नमी है उसके बाद में आपने स्प्रे कर दिया, उसके एक हफ्ते बाद दोबारा से एक बार सिंचाई कर दें, उससे ये होगा कि आपकी जो दवाई का प्रयोग है वो दोबारा से एक्टिवेट होकर हमारे खरपतवारों को जड़ से ख़त्म कर दे। और उसके करीब 10 से 12 दिन के बाद, यानी कि 15 दिन के बाद आप नराई गुड़ा करवा सकते हैं और उसके बाद में जो खरपतवार बचेगा उससे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो अपनी जो चौड़ी पत्ती खरपतवार है, सकरी पत्ती खरपतवार, उन सभी खरपतवारों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। किसान में अगर आप इस समय पर ख़त्म नहीं कर पाए तो किसान में ऐसा होता है, आप कोई भी खाद का, फर्टिलाइजर का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी खाद का प्रयोग करें तो आपके 47 से लेकर 52% तक हमारे खरपतवार हमारे सभी खादों को ले लेते हैं, जिससे हमारे जो फसल होती है वो नीचे दब जाती है और उसके बाद में ये कभी जल्दी ख़त्म ही नहीं हो पाती। तो इसलिए आपको समय रहते इन खरपतवारों को ख़त्म करना, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो फसल है उसमें 50% आपको घाटा देखने को मिलेगा और आपका गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप जड़ से मोटा घास को ख़त्म कर सको और उसके साथ में अन्य जो भी घास है उन सभी घासों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा, हमारे चैनल पर एक वीडियो और पोस्ट हो चुकी है कि आप पौधा करना आपने लगाया है तो उसमें पहले सिंचाई कब करना है, कितने समय के बाद करना है, उसके साथ में पहली खाद में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है और कौन सी खाद का प्रयोग नहीं करना है, ये जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे दोस्तों के साथ, अपने हमारे युवा किसानों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है उन तक पहुँचती रहे और वो अपने गन्ने के फल से खरपतवारों को जड़ से खत्म करके अच्छा पैदावार ले सके। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।